चंदन का चांद जो है नजर आ चुका है, बहुत बहुत मुबारक हो। जिस चीज का इंतजार था वो इंतजार अब खत्म हुआ, ये आप देख सकते हैं एलईडी में, लोगों ने स्टेटस पे लगाया हुआ है। यहाँ पर तो अम्मी कोई चांद नजर नहीं आ रहा, सन्नाटा हो रहा है अम्मी पूरा, कोई चांद नजर ही नहीं आ रहा। स्टेटस पे ही हमने बस देखा कि चांद जो है नजर आ गया है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो भाई आज जो है हम व्लॉग बना रहे हैं, चलो व्लॉग शुरू कर देते हैं। वैसे ही आज जो है रमजान का चांद नजर आने वाला है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। हमारे बहुत अच्छे दोस्त जिनको आप व्लॉग में हमेशा देखते हैं वो भी आए हैं। तो कैसे हैं नुमान भाई आप? अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? आप सबको मेरे तरफ से चांद मुबारक। तो नुमान भाई आज पहले ये बताओ, पक्का है चांद नजर आएगा या पक्का नहीं है? भाई चांद पक्का है ना, पक्का सऊदी में जाहिर है, रोजा हो गया। वैसे तो आप लोगों को मैं रोजाना नजर आता हूँ। रमजान का चांद नजर आएगा तो आप जो है फिर रोजा रखेंगे इंशाल्लाह कल का। नुमान भाई जो है अभी नहीं रख लिया मुझे देख के, निकल कल रखिएगा, कल रखेंगे अभी नुमान भाई को देख के आपका रखने। वैसे नुमान भाई आप थोड़े कमजोर हो गए, क्या बात, तबीयत सही नहीं है। तबीयत सही नहीं है तो नुमान भाई के लिए भाई आप लोग रमजान में दुआ करनी है। माने दूसरी शादी की दुआ करवा? नहीं नहीं भाई, क्या हो गया। तो नुमान भाई के लिए दुआ करने के लिए पहले नुमान भाई को सेहत दे। और अभी वशमा अभी उन्होंने टीवी रोक देना, अच्छा वो रोक दिया, हमने बोला चलो व्लॉग शुरू करते तो रोक दें। बाकी सीन ऐसा है आज भी जो है अपनी मम्मा के पास जो है नाश्ता कर रहे हैं, नुमान भाई भी कर रहे हैं। नुमान भाई आज हमारे मोहब्बत में आए तो नुमान भाई फिर आज चांदनाथ का व्लॉग दिखाना है लोगों को। बाकी मैंने तो अभी नाश्ता कर लिया है, नुमान भाई नाश्ता वगैरह कर रहे हैं। फिर नाश्ता करने के बाद अभी जो है अभी तो खैर टाइम हो रहा है, मेरे ख्याल में 5:30 का टाइम हो रहा है मुझे, आप देख सकते हैं अभी तो रोशनी निकली हुई है। सीन ऐसा है अभी यार नुमान सामने वाले पुल पर चलते हैं, सामने हम जाएंगे लियारी एक्सप्रेस पे, ब्रिज पे आते हैं जो है, रोजे तो फिर पता ही चलते हैं ऐसे निकल जाते हैं। तो काफी टाइम से मैं सोच भी रहा था नुमान भाई सामने लियारी एक्सप्रेस वे का जो अपना जो बोले फ्लाई ओवर व्यू दिखाते हैं आपको, व्यू चेक कराते हैं, फिर थोड़ी देर बाद जो है अपना मगरिब हो जाएगी उस पुल पे आपसे। चले चले थोड़ी बाद मगरिब हो जाएगी तो फिर वो चांद तो आपको नजर आ ही जाएगा। तो चलते हैं अभी, चांद देख के दुआ जरूर पड़िएगा, दुआ मांगेगा अल्लाह रमजान अच्छे गुजरे और फलस्तीन के मुसलमानों पर अल्लाह रहम फरमाए और हम लोगों को भी रहम फरमाए, हमसे राजी हो जाए। मिलते हैं हम लियारी एक्सप्रेस में, आ जाए भाई। निकल चुके हैं अभी हम लोग बाहर की साइड पे और नुमान भाई यही वाली मस्जिद में नमाज पढ़ने आते ना हम लोग, है बाहर की साइड पे आ गए। और नुमान भाई आपको पता है ये गली बंद हो गई है, तो देखो सामने इसके वॉल कर दिए और इस गली में पत्थर लगने वाले हैं, फिर थोड़े टाइम बाद जो है हमारी गली में भी पत्थर लग जाएंगे। नुमान भाई रास्ता बने, रास्ता बने आगे, अभी जो रास्ता है इन्होंने सामने से खोल दिया, सामने की दीवार इन्होंने तोड़ दी है बिल्कुल। ये आप चेक कर सकते हैं, यही सब पकड़िए क्या रास्ता, यहाँ से रास्ता होगा ना, अभी दिखाता हूँ मैं आप लोगों को यहाँ से रास्ता, कि पहले रास्ता था वाली गली से हम लोग कहाँ आने का, बाकी रास्ता यहाँ से अभी सफाई वफाई हो गई है पूरी, ये चेक करें हम। वो योग नुमान में पूरा रास्ता बन गया ये तो वहाँ से लेके, अब हमें आना होगा ना डायरेक्ट वहीं से आएंगे और डायरेक्ट इसी रोड पर निकलेंगे। नुमान भाई यहाँ तो रास्ता ही नहीं ऊपर चढ़ने का, यहाँ से देखते हैं नुमान में रास्ता है ऊपर या चढ़ने का या नहीं रास्ता है, क्या सीन है। तो यहाँ पे देखो भाई ऊपर चढ़ने का रास्ता बिल्कुल नहीं है, ये देखें पूरा रास्ता जो है साफ कर दिया वहाँ तक के। पहले रास्ता जो था नुमान भाई यहाँ से तो जाने का है, रास्ता ये वहाँ से होगा तो नुमान आपको घूम के आना पड़ेगा फिर। अब कोई मतलब नहीं, हम तो बाइक पे आ जाएंगे, बाइक पर अपना कौन सा मसला है। तो भाई सीन ऐसा है कि अभी ऊपर हम समझ में नहीं आ रहा है कैसे जाएं, हमने सोचा था कि ऊपर जाएंगे नुमान भाई, हवा बड़ी अच्छी चल रही है और भाई की वहाँ से जो है दीवार तोड़ दी, मैंने आप लोगों को दिखाया था पहला शॉट वहाँ से, तो आप चेक कर, हाँ व्लॉग बना रहा तो बस वहाँ चलते हैं फिर, अब ऊपर जा सकते हैं नहीं है तो चढ़ने की जगह है नहीं, क्योंकि हम बच्चे तो चढ़ जाते हैं गोद में आके, ये एक बच्चा देखेंगे ये घूम रहा है यहाँ पे हंस रहा है, बच्चे वहाँ बैठे हुए लेकिन हम लोग चढ़ सकते नहीं है भाई। तो सीन ऐसा है भाई कि अभी चांद नजर आएगा तो फिर नुमान भाई वही जब ही का सीन दिखाएंगे, चांद का छोटा सा ही लोग नुमान चले आओगे यार, मज़ा नहीं आएगा फिर, आप चले आओगे यार, मुझे जाना है आपको पता है। चलो खैर अभी तैयारी करनी है, तरावी पढ़नी है, हाँ तरावी तो मुझे भी पढ़नी है, तो व्लॉग भाई होगा छोटा, बस चांद नजर आ जाएगा तो मैं चांद दिखा दूंगा, तो व्लॉग एंड कर देंगे, व्लॉग को फिर जो है हम एंड कर देंगे। तो अभी फिलहाल हम लोग घर की साइड पे जा रहे हैं, फिर जब चांद नजर आता है तो फिर आप लोगों को दिखाते हैं। ख्याल रखो भाई, बासिश शमसी। A
A few moments later. तो भाई रमजान का चांद जो है नजर आ चुका है, बहुत बहुत मुबारक हो। जिस चीज का इंतजार था वो इंतजार अब खत्म हुआ। ये आप देख सकते हैं LED में रमजान का चांद जो है, अभी अम्मी देख रही हैं। अम्मी चांद नजर आ गया, फिर आप क्या कहना चाहेंगे? रमजान का चांद नजर आ गया, आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। ये रमजान का चांद जो है बहुत बाबरकत महीना होता है रमजान का। आवाज बंद करो ताकि अम्मी की आवाज ठीक से आए। तो इसमें सीन ये है कि भाई अब जो है हम लोग शहरी और अफ्तारी के दिखाएंगे आपको ब्लॉग। अभी मैं देख के आता हूँ बाहर के चांद नजर आया नहीं नजर आया। वैसे तो लोगों ने स्टेटस पे लगाया हुआ है, यहाँ पर तो अम्मी कोई चांद नजर नहीं आ रहा। सन्नाटा हो रहा है अम्मी पूरा, कोई चांद नजर ही नहीं आ रहा। स्टेटस पे ही हमने बस देखा कि चांद जो है नजर आ गया है। तो आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। नुमान भाई तो अपने घर पे चलेगा, तो मैंने बोला चलें इस व्लॉग को जो है मैं खुद से एंड करता हूँ। अभी मुझे तरावी पढ़ने आना है। अम्मी कपड़े प्रेस कर दिए आपने? हाँ मैंने कपड़े इस्तरी कर दिए तुम्हारे भी और पापा के भी। अब इंशाल्लाह तरावी पढ़िएगा और रमजान का चांद मेरी बहनों को और मेरे घर वालों को और जितने भी लोग हैं मेरे रिश्तेदारों को चांद बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला रमजान सबको देखना नसीब करे। आमीन आमीन। और फिर इंशाल्लाह अभी जो और है आप ज्यादा से ज्यादा इबादत करने की कोशिश कीजिएगा और क्या कहते हैं नमाज पढ़े, रोजे रखें, इबादत करें और सवाब कमाएं। बाकी मैं कहना चाहूंगा कि व्लॉग जो है हम आज का छोटा व्लॉग होगा। सीन ऐसा है कि भाई व्लॉग छोटा होगा कोई मसले वाली बात नहीं है। अभी तकरीबन रमजानों में व्लॉग जो है छोटे छोटे देखने को मिलेंगे आपको, क्योंकि मैं दूसरी कोई एक्टिविटी नहीं दिखाऊंगा। सिर्फ मैं जो है शहरी और इफ्तारी की जो है वीडियो आपका शेयर करूंगा। अम्मी तो आप मजे मजे की चीजें बनाएंगी ना फिर रमजानों में, लोग देखना चाहेंगे। इंशाल्लाह हम मजे मजे के खाने और तारी बनाएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। शहरी तो हमारे तकरीबन सबके घर में शहरी तो वही बनती होगी, जैसे अंडे पराठा और सालन वगैरह दही वगैरह ये सब चीजें होती है शहरी में। तो चाय बाकी अफतारी में जो है हम लोग नई नई चीजें बनाएंगे, क्योंकि हमारे घर पे एक दिन जो है अफतारी बनती है और एक दिन जो है खाना बनता है। तो उसकी रेसिपी जो भी होगी अम्मी बनाएंगी तो वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो आप लोग डेली जो है हमारे व्लॉग को देखिएगा। छोटा सा मेरा ये था आज का व्लॉग। बाकी हमारे कपड़े भी देखें आप सामने स्त्री में रखे हुए हैं। तो अभी बस मैं जो है भाई तरावी पढ़ने के लिए निकल रहा हूँ, तरावी पढ़ने आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे हो रही है बहुत ज़्यादा देर। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। इजाज़त। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।